Good morning friends, this is Neha here and welcome to our online learning platform BHU Bachela. आज की हमारी डेट है 18 फरवरी 2021 और आज की डेट से हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे. बट इससे पहले मैं आपको हमें लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस के आंसर्स बता देती हूँ बिकॉज आप तो बताने वाले नहीं हैं. चलिए देखिए, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपसे किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है. इसका मुख्यालय है आपका जेनेवा में. सेकेंड क्वेश्चन मेरा रहा था आपसे, अभ्युदय योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की है. अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की है. थर्ड क्वेश्चन था मेरा आपसे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है. देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की 94th रैंक है और फर्स्ट रैंक पर है बेलारूस. ओके, चलिए आज के एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम देखते हैं. देखिए, वीडियो आपको डेली प्रोवाइड की जा रही है सो आपको इसको रेगुलरिटी के साथ फॉलो करना है. एंड इन मंथ के लास्ट में आपको मंथली करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी जिससे आप एज अ रिवीजन पढ़ोगे एंड देन आपके करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे. आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों को 5 रुपए में दोपहर में भोजन देने के लिए माँ की रसोई योजना शुरू की है. रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द माँ की रसोई स्कीम टू गिव रिच फूड इन आफ्टरनून टू द पुअर फॉर 5 रुपी. तो देखिए, ये पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल की राज्य सरकार ने गरीबों को 5 रुपए में दोपहर में भोजन देने के लिए माँ की रसोई योजना शुरू की है. अगर हम इस तरह की योजना की बात करें तो अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने दाल भात योजना शुरू की है जिसके तहत गरीबों को 5 रुपए में भोजन दिया जा रहा है. इसके अलावा राजस्थान सरकार ने भी इंदिरा रसोई योजना अभी हाल ही में शुरू की है जिसके तहत 8 रुपए में गरीबों को भोजन दिया जा रहा है. और फिर महाराष्ट्र सरकार ने भी शिव भोजन योजना अभी हाल ही में शुरू की है जिसके तहत गरीबों को 10 रुपए में भोजन दिया जा रहा है. देखिए, हम लोग ह्यूमन बींग हैं, हमारे पास सोचने समझने की कैपेसिटी है और यदि हमें लगता है कि हम किसी की सहायता कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए. ओके, एनीवेज हमने यहाँ पे बात की है वेस्ट बंगाल की. तो देखिए, वेस्ट बंगाल का कैपिटल है आपका कोलकाता और अगर हम कोलकाता की बात करें तो ये शहर हुगली नदी के किनारे पर स्थित है. ओके, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल हैं जनदीप धनगढ़ जी. वेस्ट बंगाल राज्य सरकार ने गरीबों को 5 रुपए में दोपहर में भोजन देने के लिए माँ की रसोई योजना शुरू की है. हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है. रिसेंटली विच कंट्रीज टीम बिकम द फर्स्ट टीम टू विन 100 इंटरनेशनल मैचेस इन T20 क्रिकेट. तो देखिए, पाकिस्तान की जो टीम है T20, उसने क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है. पाकिस्तान ने टोटल 164 T20 मैच खेले हैं जिसमें कि उसने 100 जीते हैं और 59 हारे भी हैं. और देखिए, भारत जो है ये 85 T20 मैच खेल करके अभी फर्स्ट सेकेंड पोजिशन पर है. ओके, अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो देखिए, यहाँ का कैपिटल है इस्लामाबाद और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रेजेंट में इमरान खान. और देखिए, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पाकिस्तान और भारत के बीच में आपको पता है कि दो अलग देश हैं, इनके बीच में एक लाइन होगी जो इन्हें सेपरेट कर रही होगी. तो वो लाइन कौन सी है, वो है आपकी रेड क्लिफ रेखा. पाकिस्तान देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में समाचार में देखे गए BBC वर्ल्ड न्यूज़ पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है. विच कंट्री हैज़ बैंड BBC वर्ल्ड न्यूज़ एज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली. तो देखिए, चाइना ने समाचार में देखे गए BBC वर्ल्ड न्यूज़ पर देश में प्रतिबंध लगा दिया है. एक्चुअली बात यह हुई कि चाइना में एक शहर है जिनजियांग नाम का, यहाँ पर उइघर मुस्लिम रहते हैं और इन लोगों को काफ़ी टॉर्चर किया जाता है. इसके ऊपर BBC वर्ल्ड न्यूज़ ने एक न्यूज़ बनाई और इसे अपने चैनल पर शो किया जो कि चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने अपने देश में BBC वर्ल्ड न्यूज़ को बैन कर दिया. अभी यहाँ पे हमने बात की है उइघर मुस्लिम के टॉर्चर की, तो देखिए, अभी हाल ही में एक न्यूज़ निकल कर आ रही थी, जापान ने उइघर मुस्लिम के टॉर्चर के ऊपर एक रिपोर्ट प्रिपेयर की और इस रिपोर्ट को उसने अमेरिका को सौंपा जिसके बाद उसको काफ़ी शाबाशी मिली और उसको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंटेलिजेंस एजेंसी में शामिल किया गया है. देखिए, ये क्या है, तो ये आपकी एक 5S अलायंस कंट्रीज हैं जिसमें आपका आता है UK, USA, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया. ये 5 देश दुनिया पर नज़र रखे हैं, इनकी इंटेलिजेंस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है. ओके, और अब इसमें जापान को भी शामिल कर लिया गया है, तो अब ये 5S अलायंस कंट्रीज से 6S अलायंस कंट्रीज बन गई है. यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि 5S अलायंस कंट्री से 6S अलायंस कंट्री बना, इसमें आपका लास्ट कंट्री मतलब कि 6th कंट्री कौन सा ऐड हुआ, तो आपका आंसर होगा जापान. ओके,
अभी यहाँ पे हमने चाइना की बात की है तो देखिए इसका कैपिटल है आपका बीजिंग और इसका जो करेंसी है वो है आपका रेनमानगी और इसके जो प्रेसिडेंट हैं फिलहाल में वो हैं आपकी सी जिनपिंग। ओके, चाइना ने अपनी कंट्री में बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में किस देश ने ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया है? विच कंट्री हैज़ अनवील्ड द ड्राफ्ट ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021? तो देखिए भारत देश ने ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया है। एक्चुअली जो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, इसरो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो है एक पॉलिसी बनाई है ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021। ओके, बट इस पॉलिसी का जो है अभी इसने रिपोर्ट जो है इसकी पूरी डिटेल्स जो है उसने अभी सरकार को नहीं भेजी है। ओके, बाय द वे यहाँ पे हमने बात की है इसरो की, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलोर में है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है आपके के सिवान। ओके, और जो के सिवान हैं उन्हें चंद्रयान 2 की सक्सेसफुली लॉन्चिंग के लिए कलाम पुरस्कार दिया गया है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सभी चीज़ें आप नोट करते रहिए। ओके, क्योंकि इस क्वेश्चंस के पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी बट इन क्वेश्चंस के अलावा मैं आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर रही हूँ, इसको अगर आप नोट करोगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा बिकॉज ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, हाल ही में इंडिया ने ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया है? रिसेंटली इन विच स्टेट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेमोरियल ऑफ महाराजा सुहेलदेव? तो देखिए ये क्या है, उत्तर प्रदेश में। ओके, उत्तर प्रदेश के बहराइच में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनका शिलान्यास किया गया, जो कि जो है इनकी जो मूर्ति है वो 40 फुट ऊँची जो है कांस्य की मूर्ति है। ओके, देखिए महाराजा सुहेलदेव कौन थे, तो अगर आप इनके बारे में पढ़ते हो देखिए महाराजा सुहेलदेव 11वीं सदी के श्रावस्ती के सम्राट थे। ओके, सुहेलदेव जो अगर आप इनके बारे में ज़्यादा पढ़ते हो तो इन्होंने महमूद गजनवी के जो है भांजे मसूद को मारा भी है और राजभर और पासी जाति के लोग इन्हें अपना वंशज भी मानते थे और इनका जो है पूर्वांचल के कई जिलों में खास प्रभाव भी रहता था। ओके, बाय द वे यहाँ पे देखिए करंट से अगर हम एक क्वेश्चन बताएं आपको तो इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है जो कि अमित त्रिपाठी जी ने एक बुक लिखी है, इनकी किताब का नाम है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव इंडिया। सुहेलदेव के ऊपर अमरीश त्रिपाठी जी ने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव इंडिया। ओके, हमारा क्वेश्चन है 6, हाल ही में टेस्ला भारत का पहला विनिर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित करेगी? रिसेंटली इन विच स्टेट टेस्ला विल सेटअप इंडियाज फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट? तो देखिए ये कर्नाटक में करेगी, कर्नाटक में टेस्ला भारत का पहला विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने वाली है। इसके पहले इसने अपना ऑफिस भी बनाया है और ये ऑफिस उसने बेंगलुरु में खोला है। ओके, देखिए टेस्ला के जो सीईओ हैं वो हैं एलन मस्क और जो टेस्ला कंपनी है ये एक इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माण कंपनी है, आपको पता होगा। ओके, देखिए यहाँ पे हमने बात की है कर्नाटका की, तो कर्नाटका का जो आपका कैपिटल है वो है आपका बैंगलोर, यहाँ के जो सीएम है वो है आपके श्री बीएस येदियुरप्पा जी, यहाँ के जो गवर्नर है वो है आपके बजूभाई बालाजी। ओके, अभी कर्नाटका से रिलेटेड एक और आपका करंट का क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, देखिए मैं उसको आपको बता देती हूँ। देखिए अभी नीति आयोग ने इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2 जो है रिलीज़ किया है, इस इंडेक्स में टॉप पर रहा है कर्नाटका, पहले साल भी कर्नाटका ही टॉप पर रहा था और ये दूसरा वर्ष है जिसमें कि कर्नाटका टॉप पर रहा इस बार भी। ओके, तो यहाँ पे करंट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसे आप नोट कर लोगे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जूट बीज वितरण योजना किसने शुरू की है? हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम? तो ये की है स्मृति ईरानी जी ने जो कि केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में दिल्ली पुलिस का 74th स्थापना दिवस कब मनाया गया? When was 74th फाउंडेशन डे ऑफ दिल्ली पुलिस रिसेंटली सेलिब्रेटेड? तो ये आपका सेलिब्रेट किया गया है 16 फरवरी को, 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस का 74th स्थापना दिवस मनाया गया। देखिए दिल्ली पुलिस जो है आपकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में ISA की विशेष महासभा के लिए महानिदेशक कौन बने हैं?
रिसेंटली हु हैज़ बिकम डायरेक्टर जनरल फॉर स्पेशल जनरल असेंबली ऑफ ISA, तो ये अजय माथुर जी को बनाया गया है। ISA का फुल फॉर्म आपका होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके, देन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के लिए एक उप समूह का गठन किया है। रिसेंटली हु हैज़ फॉर्म्ड अ सब ग्रुप टू प्रिपेयर अ नेशनल एक्शन प्लान फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, तो ये जो है नीति आयोग ने बनाया है। नीति आयोग ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के लिए एक उप समूह का गठन किया है। ओके, यहाँ पे बात नीति आयोग की आई है, तो देखिए नीति का फुल फॉर्म आपका होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओके, और आपको पता होना चाहिए वर्तमान में यहाँ के जो है यहाँ के प्रेसिडेंट वो हैं आपके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और यहाँ के वर्तमान में CEO हैं अमिताभ गंत जी। ओके, तो ये थे आपके 18 फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। देन अभी मेरा आपसे क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हाल ही में अभी एक 3 दिवसीय फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। मध्य प्रदेश के धार शहर में अभी हाल ही में 3 दिवसीय फेस्टिवल एक सेलिब्रेट किया गया है, जिस फेस्टिवल की थीम रही है खोजने में खो जाओ। अब इस फेस्टिवल का नाम क्या था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ओके ओके, थैंक यू।